जारी किया था, प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता है, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटाढार, यही कमल दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है। आप तो लगातार यही करते रहे हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन हैं। और एक तो कांग्रेस के नेता मिस्टर बंटाढार तो पहले ही थे, और अब तो कांग्रेस ने सरकाने का भी काम कर दिया उनको, और इतने भारी नाराज हुए कि कल चर्चाएं मीडिया के अंदर समाज में कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अब भाई इस्तीफा आप खुद जारी करवा रहे हो मीडिया में, हमेशा मीडिया में हाईलाइट होने के लिए करवाते हैं, और वो रिकॉर्डेड है। उनके बारे में मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि फर्जी ट्वीट करना, फर्जी पत्र जारी करना, फर्जी पत्र किसने जारी किया था, इसमें प्रियंका गांधी की एफआईआर हुई, जयराम रमेश की एफआईआर हुई, यही कांग्रेस के नेता है, यही दिग्विजय सिंह है, मिस्टर बंटाढार, यही कमलनाथ है, जिन्होंने फर्जी पत्र जारी करके दिग्विजय सिंह पीछे हट गए और फर्जी पत्र जारी करके प्रियंका गांधी जी को उलझा गए। तो ये फर्जी पत्र जारी करने की परंपरा और चरित्र इन्हीं कांग्रेस के नेताओं का है। दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा खुद और दूसरों से जारी कराया, और भाजपा के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये योजनाबद्ध तरीके से मीडिया में कैसे आए, कैसे मेरी नाराजगी दूसरे एंगल से प्रकट हो। अरे भाई वैसे ही कह देते जाकर के, जब कांग्रेस का नेतृत्व आपकी सुन नहीं रहा और अपनी नाराजगी आप किसी एंगल से जारी कर रहे हैं कि यहां पर लाइट मारेंगे और यहां जाकर के रिफ्लेक्ट होगी। अरे तो दिग्विजय सिंह जी आपका पुराना चरित्र है, आप तो लगातार यही करते रहे हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति के, झूठ बोलने की आप तो मशीन हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार की चीजों से दिग्विजय सिंह, मिस्टर बंटाढार जी, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता तैयार है, मैदान में उतर करके तैयार है। इसलिए अब इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की सूची के माध्यम से भी बिल्कुल उनकी हार की खींच और ये सब अब दिखाई देने लगा है।